वेलकम टू इन्फो टीचिंग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स टीचिंग सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारा रिक्वायरमेंट बेस्ड है, और ये है हमारा सीटेट 2018 के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक को हम रिकमेंड करें जिससे हमारे 100 to 130 मार्क्स हैं वो हम स्कोर कर सकें। तो सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेगी, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक सबसे मेन बात इस वीडियो के अकॉर्डिंग ये होगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो अब की बार 2018 का आपके लिए सीटेट पास करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये टिप्स आपको फॉलो करनी है और यहाँ के रूटीन को आपको फॉलो करना है जो आपको आगे बताया जाएगा। सो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा सीटेट पेपर वन और पेपर टू दो पेपर होते हैं। पेपर वन हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ तक का होता है और पेपर टू हमारा 6 to 8 लेवल का होता है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ यहाँ पर दे रखा है और आपको सारी चीजें दे रखी है, 5 subjects दे रखे हैं और 5 subjects में 30 MCQ होंगे और 30 marks के अकॉर्डिंग होंगे और टोटल हमारा 150 स्कोर हो जाता है यहाँ पर। तो हमें कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से मार्क्स हमें डाउन कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट हमें डाउन कर सकता है, तो वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। देन है हमारा पेपर टू। पेपर टू यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पे भी 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर बस एक चीज यहाँ पर मेन चीज हो जाएगी कि हमारे सामने जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है, ये हमारे कोई सा भी एक सब्जेक्ट जिसमें से आपने बीएड जो है यानी कि टीजीटी बेस्ड जो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, तो वो चीज आपको यहाँ पर मेन है करनी। सो ये चीज आपको पता चल गई सीटेट पेपर वन और पेपर टू के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी बुक्स को हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है और कौन सी मेन चीज है जो हमें सीटेट के लिए रिवाइज रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे रखा है आपको, एक तो वो कैंडिडेट्स हैं हमारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब वो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनका। और एक वो कैंडिडेट्स हैं जो कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और वो वेट कर रहे थे सीटेट का और इस बार पूरा चांस है उन लोगों का सीटेट क्लियर करने का। तो ये दोनों कैंडिडेट्स हमारे सामने, तो दोनों को हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, दोनों के बेस पर हमें अपनी तैयारी को, हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। सबसे पहले यहाँ पर बुक्स देख लीजिए जो आज के टाइम पर जो रिकमेंड हो रही हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बेस्ट बुक के लिए सीटेट से रिलेटेड, तो वहां पर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बट सिलेक्टेड जो चीज है वो आपको इन्फो टीचिंग में मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ल्यूसेंट की बुक। अब ल्यूसेंट की बुक मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स किस लिए प्रेफर करते हैं, जीएस के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए प्रेफर करते हैं, बट ल्यूसेंट के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो चाइल्ड पेडोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो वो सारी सारी चीजें आपको ल्यूसेंट में मिलेंगी। तो अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे वो डबल अटेम्प्ट हो, तो दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करना चाहते हैं, एक डीप नॉलेज लेना चाहते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में, तो आप ल्यूसेंट की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ल्यूसेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। देन है हमारा किरण पब्लिशर। किरण पब्लिशर मैंने एक लास्ट वीडियो बताई थी जहां पर मैंने DSSSB या KVS की तैयारी के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करें, तो वहां पर मैंने किरण को बताया था। DSSSB के एग्जाम के लिए हमें किरण पब्लिशर बेस्ट लगती है मुझे, मैंने खुद वहीं से जो रिकमेंड करती हूँ, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मुझे किरण पब्लिशर की बहुत अच्छी बुक लगती है क्योंकि सारा एनालिटिकल बेस्ड वहां पर दे रखा होता है। बट सीटेट के लिए यहाँ पर आपको किरण पब्लिशर इसलिए फॉलो करनी है क्योंकि वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 150 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो किरण पब्लिशर आप फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस सेट। देन है हमारा अरिहंत पब्लिकेशन।
अरिहंत पब्लिकेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं कि क्या अरिहंत पब्लिकेशन को प्रेफर करना चाहिए, कैसी रहती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही बताता है कि अगर आप अरिहंत को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी बुक है, क्योंकि देखा जाए तो हम किसी भी बुक को बेकार नहीं कह सकते कि ये वाली बेकार है या वो वाली अच्छी है। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई मुझसे ना भी मुझे किसी भी बुक से ऐसा कोई पर्सनली दुश्मनी है कि हाँ इस बुक को मैं बेकार कहूंगी, इस बुक को अच्छी कहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बुक्स अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी है, बट अरिहंत को मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस इसलिए दी है क्योंकि मैंने दो बार अटेम्प्ट किया हुआ है सीटेट और दोनों बार मेरा क्लियर हुआ है क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन को मैंने फॉलो किया था, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। सारा एनालिटिकल बेस वहां पर दे रखा विद प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट और एनालिटिकल बेस दोनों आपको इसमें मिल रहे हैं, इसीलिए आप अरिहंत प्रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। देन है हमारा यूनिक पब्लिकेशन। आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यूनिक पब्लिकेशन को भी, 50% कैंडिडेट यूनिक पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होता जा रहा है, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो बुक का लेवल है वो भी और पब्लिकेशन में काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो यूनिक पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो भी ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक के अंदर और अरिहंत के अंदर दोनों सेम चीजें हैं, यानी कि आपको वहां पर भी कॉन्सेप्ट्स दे रखे होंगे विद प्रैक्टिस सेट और यूनिक में भी आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट दोनों दे रखे होंगे, तो दोनों में से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अरिहंत के लिए था तो ये आपकी चॉइस है। देन है हमारा एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्यों प्रेफर करनी है, चाहे वो पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, क्योंकि लेवल हमारा पेपर वन के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ का लेवल है, तो आपको मस्ट का मतलब है करनी है तो करनी ही है, चाहे इनमें से आप कोई सा भी पब्लिशर ले लीजिए, उसके साथ आपको एनसीईआरटी की बुक्स तो प्रेफर करनी ही है। अगर आप पेपर वन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल की आप जो भी बुक है, चाहे ईवीएस से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे एसएस से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे मैथ्स से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो करें। अगर आप पेपर टू के लिए कर रहे हैं तो आपको सिक्स सेवन्थ एट की बुक्स फॉलो करनी होंगी, और वैसे तो नॉर्मली बुक्स का आज के टाइम पे तो ऑफिशियली हमारा जो गूगल पर आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, या प्ले स्टोर में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी का जो लिंक है उससे, तो ऐसा नहीं है कि बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो आप बाय मोबाइल भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अब लास्ट जो मेन चीज है, इसको मैंने पूरा के पूरा हाईलाइट किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा मेन है, चाहे वो कैंडिडेट वन हो चाहे डबल अटेम्प्टेड कैंडिडेट हो, कोई सा भी कैंडिडेट हो, क्योंकि ये जो है हमारा लास्ट वाला पोर्शन, इससे रिलेटेड हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना हमारा एक लेवल को इंक्रीज करता है, हमारे माइंडसेट को इंक्रीज करता है। सारी की सारी चीजें हमने कर ली है, दो महीने हमने खूब अच्छे तरीके से रिविजन किया है, काफी अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है। अब मेन बात आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन की, प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स हैं जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कैंडिडेट्स काफी देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं आप लोग सीटेट से रिलेटेड, तो वहां पर उससे हटकर जो आपको सीटेट की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उनको आप करें, जितने भी आंसर की भी वहां पर दे रखी होती है, तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग आप पहले तो खुद ही एक बार अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद आंसर की से मैच करें, क्रॉस चेक करने के बाद देखें कि किस क्वेश्चन में क्या गलती है और कहां तक आपका जो लेवल है वो बढ़ चुका है और कितने रिवीजन की जरूरत है। तो ये चीज मस्ट है, चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, चाहे कैंडिडेट सिंगल अटेम्प्टेड हो चाहे डबल अटेम्प्टेड हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं तो करने ही है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन है, चाहे आप पब्लिक शर कोई सा भी लो, ल्यूसेंट लो, किरण लो, अरिहंत लो या यूनिक लो, बट इन चारों के साथ साथ आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो करना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे पेपर वन चाहे पेपर टू हो। अब चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ मैं बुक के, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये वाली बुक मैंने प्रेफर की थी प्रैक्टिस सेट के लिए, और यहाँ पर अरिहंत की मैंने, क्योंकि मेरा लेवल वन है,
यानी कि पेपर वन है मेरा, तो मैंने इस वाली बुक को फॉलो किया था, तो ये देख सकते हैं आप, ले सकते हैं। अब पर्टिकुलर कुछ कैंडिडेट्स को क्या होता है कि मैथ्स में थोड़ा सा स्कोर करने में दिक्कत आती है, तो स्कोर करने के लिए आपको ये वाली बुक प्रेफर करनी होगी, किरण पब्लिशर की बहुत अच्छी बुक होती है, क्योंकि इसमें इजी से इजी लेवल और हार्ड से हार्ड लेवल दोनों मिक्स क्वेश्चन दे रखे होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा होता है। और जीएस यानी कि साइंस या सोशल स्टडी के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं ल्यूसेंट। और किसी भी कैंडिडेट्स को अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो ये रही आप लोगों के सामने बुक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड पैडोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए, ये हो गई। ऐसे ही हमारी ल्यूसेंट में हिंदी की भी आती है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, तो सारी की सारी बुक्स हो गई। अरिहंत की आप ये देख सकते हैं 6 to 8 लेवल की, तो सारी की सारी बुक आपको एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज दे दिया है, दिखा दिया आप लोगों को, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में ये सारी की सारी बुक्स अवेलेबल है, बस आपको देखना है कि कौन सी बुक से आप अच्छे तरीके से प्रेफर करना चाहते हो। देन चलते हैं हमारी साइकोलॉजी हैक ट्रिक्स या टिप्स, कुछ भी कह लीजिए आप। सबसे मेन चीज आती है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम, बेशक चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, सबके लिए मैंने यही बताया है कि फॉलो रूटीन एंड टाइम टेबल। एक टाइम टेबल, एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, तो एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ हम इस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एक रूटीन बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, बेशक आप 24 आवर्स में 3 आवर्स पढ़ते हो चाहे 4 आवर्स पढ़ते हो, तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और इस टाइम टेबल से इस टाइम टेबल तक हमें इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इस प्रैक्टिस सेट को कवर करना है, तो वो चीज आप मस्ट करेंगे, देन जाके 80% चांसेस हो जाते हैं हमारे क्लियर करने के। अब 20% जो बच गया है वो है हमारा इसमें, 10% हम इसमें ले लेते हैं मेक नोट्स। सारी की सारी बुक हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लिए। अब कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें नोट बनाने की आदत होती है, नोट्स बनाने की आदत होती है, ताकि एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले उसको रिवाइज करें और सब कुछ क्लियर। ऐसा ना हो कि ये वाली बुक हमें सर्च करनी पड़ रही है, वो वाली कॉन्सेप्ट हमें दोबारा सर्च करने पड़ रहे हैं, नो। कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप एज अ नोट बनाइए, चाहे वो बेशक 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, चाहे 30 पेज का हो, कितने ही पेज का आप पर्टिकुलर एक बुक कॉपी जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो नोट बना रहे हैं, छोटी छोटी अपनी लैंग्वेज में लिखिए और उसको प्रेफर करिए जब आपका एग्जाम हो उससे 2-3 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से तो नोट मेकिंग का जो सबसे अच्छा आइडिया लगता है मुझे, और मैं इसे खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ। लास्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा 10% रह गया है, 90% कवर हो चुका है हमारा सिलेबस की कैसे हमें कवर करना है, 10% रह जाता है फाइंड करेक्ट आंसर। अब कई कैंडिडेट्स होते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी हमें चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड पैडोलॉजी में, कि पैडोलॉजी को हमें कैसे क्लियर करना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे सामने, क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, फर्स्ट भी हमारा सही लगेगा, सेकंड भी सही लगेगा, थर्ड भी सही लगेगा, फोर्थ भी सही लगेगा, चारों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, तो हम कौन सा करेक्ट आंसर निकालें, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है। बट सबसे मेन तरीका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मेरे हिसाब से है, जो मैं फॉलो करती हूँ एज अ टीचर, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसे एक कैंडिडेट ना होकर पढ़े, एज अ टीचर उस क्वेश्चन को फॉलो करें, एज अ टीचर पढ़े, कि आप अगर एक शिक्षक हैं और आपके साथ ये सिचुएशन होती तब आपका आंसर क्या होता, तब जाके आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। तो मैं इसे पर्सनली इस आंसर को निकालती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजिली फाइंड हो जाते हैं। हाँ, ऐसा था कि स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था ये, बट 2-3 दिन जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मेरे हिसाब से तो सारे के सारे आंसर हमारे करेक्ट निकल चुके थे। तो एज अ टीचर करेक्ट आंसर को निकालेंगे तो मेरे हिसाब से सारे के सारे आंसर आपके चाइल्ड पैडोलॉजी के बिल्कुल कवर है, 30 में से एटलीस्ट 25 to 26 तो आपके आ ही सकते हैं, तो इस चीज को आप कवर और मेन करके रखेंगे। तो ये थी साइकोलॉजी हैक टिप्स, जो मेरे हिसाब से ये तीनों चीजें आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो कवर है पूरा सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल सिलेबस हो जाएगा, और कोई भी ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, हार्ड होगा टफ होगा, नो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ये फॉलो करें इन टिप्स को एंड ट्रिक्स को, तो ये चीजें सफिशियंट है वैसे सीटेट की बुक्स के लिए रिकमेंड करने के लिए।
और ऑनलाइन कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो इन्फो टीचिंग में बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं सीटेट से रिलेटेड, तो वो फॉलो करें आप। और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें वीडियोस की नीडेड है और एक सिलेक्टेड पोर्शन चाहिए तो फीडबैक या कमेंट करके आप बता सकते हैं उस चीज को भी, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आपको सपोर्ट देना है इन्फो टीचिंग को और ग्रो करना है इन्फो टीचिंग को, ताकि आप लोगों के सामने रेगुलर अपडेशंस के साथ वीडियोस आती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक अबाउट टीचिंग एग्जाम। तो हमारा जो करंट हमारा बेस चल रहा है वो चल रहा है हमारा सीटेट, DSSSB और LT ग्रेड। इन तीनों से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के सामने आती रहेंगे। बस सपोर्ट करिए, लाइक